Hello students, today we are going to study one of the most difficult chapter of your class 11th biology, that is biomolecules. Biomolecules naam sunte hi dimag mein kya aata hai? Molecule hai kuch, chemistry wale molecules, kuch compounds, aur kahan par hai wo bio means living organism ke andar. Living organisms kiske bane hue hote hain? Jab main poochhu to you will say living organisms are made of cell. Cell is the basic unit of life. Par cell ke andar kya hai? Cell kin cheezon ki bani hui hai? To cell in kuch compounds ki bani hui hai. Plasma membrane ki baat kare to protein aur lipid ki bani hui hai. Hum kya kya naam sunte hain? Protein ki aur lipid ki bani hui hai. Cell wall bani hui hai cellulose ki. Food store hota hai plant cell mein starch ke form mein. Animal cell mein hota hai wo glycogen ke form mein. और आप बात करते हो कहीं पर शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, या फिर इंसुलिन है. और ये सभी कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये सभी कुछ केमिकल होते हैं. जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो, डीएनए है, आरएनए है, ये नाम आप शुरू से सुनते आ रहे हो, ये भी कुछ तरीके के कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं. तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने कैसे स्टडी शुरू की, कैसे देखेंगे. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने एलिमेंटल स्टडी करी, एलिमेंटल एनालिसिस. केमिस्ट्री में आप देखते हो कैसे करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस. तो हमने लिविंग टिश्यू लिया, तो उस लिविंग टिश्यू के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हमको मिले, हमने उनकी स्टडी करी, उनको नोट डाउन करा. सिमिलर तरीके से हमने एलिमेंटल एनालिसिस करी किसी अर्थ क्रस्ट में. सॉइल का सैंपल लिया और उसमें हमने एलिमेंटल एनालिसिस की. तो किसी लिविंग टिश्यू में मींस कुछ प्लांट पार्ट ले लो, या कुछ एनिमल का पार्ट ले लो, लिवर ले लो, कुछ एनिमल का पीस ले लो और उसमें कर ली स्टडी. तो जब हमने एनिमल की बॉडी पे या स्पेशली ह्यूमन बीइंग पे हमने देखा एलिमेंट्स का क्या क्या नंबर है, क्या क्या उसका अमाउंट है, तो जब हमने अर्थ क्रस्ट में और लिविंग बॉडी में देखा तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हमको दोनों जगह मिले, बिल्कुल सिमिलर बात है. बट डिफरेंस क्या मिला कि जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में जो अमाउंट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका अमाउंट कहीं ज़्यादा है. जैसे कि हाइड्रोजन सिंपल 1.14 है, जबकि हमारे बॉडी में 0.5 है, बहुत ज़्यादा है. मेनली आप फोकस करो कार्बन पे. कार्बन देखो सिर्फ 0.03% है अर्थ क्रस्ट में, जबकि ह्यूमन बॉडी में ये है 18.5%. तो हमारी बॉडी में सब कुछ कार्बन कंपाउंड्स ही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं. तो 18.4 कितना ज़्यादा है 0.03% के कंपैरिजन में ये. दूसरा आप नाइट्रोजन पे फोकस करो. नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में. अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन बहुत कम है, पर हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन 3.3% है, बहुत ज़्यादा है. इन दो चीज़ों को फोकस करो, नीट में ये पूछा जाता है. बाकी एक एनालिसिस है, आप कंपैरिजन देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सभी कुछ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, पर कंपैरिजन अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में ये हमारे बॉडी में कार्बन कंपाउंड्स यानी कि CHO और N, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट. बाकी के एलिमेंट्स कम हैं. अब हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा. हम करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन की एनालिसिस कि हमारे बॉडी में क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं. ये देखने के लिए हमने क्या किया, कोई लिविंग टिश्यू ले लेते हैं. लिविंग टिश्यू कुछ भी ले लो, प्लांट का पार्ट ले लो, कोई फ्रूट या कुछ वेजिटेबल ले लो, या फिर लिविंग टिश्यू में हम कोई एनिमल टिश्यू भी ले सकते हैं. तो एनिमल हमें लिविंग फॉर्म में लेना पड़ेगा ना उसका टिश्यू, उसका लिवर, या एनिमल को बेहोश करके, डेड एनिमल का नहीं लेना है. तो इतनी क्रुएलिटी क्यों करनी, प्लांट का कुछ टिश्यू ले लेते हैं. तो प्लांट का कोई फ्रूट वेजिटेबल कुछ हमने ले लिया, हम लीफ ले लेते हैं. तो हम लीफ ले लेते हैं सपोज प्लांट की, हमने प्लांट का कुछ टिश्यू ले लिया, लीफ ले ली, ठीक है. अब हमने उस लीफ को, ये क्या है, मोर्टार एंड पेसल. मोर्टार एंड पेसल आप जानते हो, आप अलग अलग लैंग्वेजेस में इसके अलग अलग नाम है. केमिस्ट्री लैब में या बायो लैब में भी आप इसको देखते हो, क्या करते हैं, चटनी बनाते हैं इससे, कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं ऐसे करके.
तो हमने कुछ एनिमल टिश्यू ले, प्लांट टिश्यू ले लिया, फिर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड हमने यहाँ पर केमिकल ले लिया, एसिड ले लिया एक, क्या है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में हमने प्लांट टिश्यू डाल के इस मोर्टार और पेसल में उसको अच्छे से पीसा, उसकी चटनी बना ली, स्लरी फॉर्म हो गया। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड की बात कर लें, अगर एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, है ना, एक यहाँ पर H कम हो जाएगा, COH, यही तो है, क्या है ये है एसिटिक एसिड। अब हम क्या करें, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन्स है ना, ट्राई क्लोरो, ये तो एसिटिक एसिड है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसको ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम यहाँ पर तीनों जगह पर क्लोरीन लगा देंगे, बन गया ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में हमने इस एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू को लेकर क्रश किया है, ग्राइंड किया है, और फिर हमको स्लरी मिल गई, पूरी चटनी अच्छे से बन गई। उस स्लरी को हमने क्या किया है, स्ट्रेन कर लिया, छान लिया, जैसे चाय को छानते हैं ना, तो क्या होता है, जो चाय का तत्व है सारा, जो उसका वो सब डिसॉल्व हो गया है पानी में, जो पोर्शन वो तो सब नीचे आ गया, और जो चाय के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ना, वो ऊपर ही रह गए, छन्नी के ऊपर रह गए। तो एक्चुअली हम इस तरीके से किचन के तरीके से नहीं करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, आपको पता है केमिस्ट्री लैब में क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब ले आ, और फिर ये क्या किया, एक फनल ली, फनल के आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर को फोल्ड करके रख लेते हो, या फिर आप चीज़ क्लॉथ रख लो, या फिर कॉटन रख लो, और फिर हम इसमें फिल्टर कर लेते हैं। अब जब हमने इसको फिल्टर करा, इजी, आप केमिस्ट्री का कोई नाम ही ना आए, आपको बिल्कुल डिफिकल्ट ना लगे, आप केमिस्ट्री से डरते हो, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ऐसे रखा, समझ लो, बस एज्यूम कर लो आप चाय छान रहे हो, वैसे ही जो चटनी बनाई है आपने उसको छान लिया, स्ट्रेन कर लिया, नीचे कुछ आपको लिक्विड मिलेगा, वो पोर्शन जो एसिड में डिसॉल्व हो गया है, जो एसिड में डिसॉल्व हो गया है वो तो नीचे आ गया फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट मिलेगा, जो एसिड सॉल्युबल है उस पोर्शन को कहेंगे फिल्ट्रेट, वो नीचे आ जाएगा पानी पानी लिक्विड जैसा, ऊपर कुछ पोर्शन रिटेन रह गया है जो वो है रिटेंटेट, ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ, सॉल्युबल हो जाता तब तो नीचे ही रहता, ये पोर्शन है एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन, ये बात समझ में आई। जब हमने छान लिया तो कुछ पोर्शन एसिड में डिसॉल्व हो गया, ये एसिड सॉल्युबल पोर्शन या फिल्ट्रेट है, दूसरी जगह पर ऊपर जो हमको रह गया मिल गया वो रिटेंटेट है और ये एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन है। ऑब्वियसली चाय के पत्ती के जो बड़े बड़े दाने ऊपर ही रह गए हैं, वो बड़े साइज के हैं इसलिए ऊपर रह गए, तो यहाँ पर जो कंपाउंड्स आएंगे उनका साइज बहुत बड़ा है, 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आएंगे, कितने, 18 से लेकर 800 डाल्टन तक, 88 याद रखोगे, सिर्फ 18 छोटा सा साइज से लेकर 800 डाल्टन तक के यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर, फिल्ट्रेट में डिसॉल्व होने वाले में। क्या क्या आएगा, यहाँ पर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक भी कुछ आएंगे, क्या आएंगे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर एक्चुअली डिसॉल्व होकर आएंगे बायो मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स वो कार्बन कंपाउंड हैं जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं, उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स के हम नाम सुनते रहते हैं और क्या हैं, मेनली चार ही हैं बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कहाँ गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। अभी इसका स्ट्रक्चर देख के डरो मत, बस ऐसे देख लो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन की लंबी सी चेन होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, आपको बहुत इजी पिक्चर में दिखाती हूँ, क्योंकि हम ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी सिंपल इंट्रोडक्शन है। आप इस पिक्चर को देखो और मुझे बताओ, फाइंड ऑड मैन आउट, इसमें से जो सबसे ऑड मैन है उसको आउट करो,
ध्यान से अगर देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रक्चर का रिपीटिशन है बार बार, फोर टाइम्स वही सेम तरह की स्ट्रक्चर, एक पेंटागन जैसी स्ट्रक्चर रिपीट हुई है। यहाँ पर देखो एक स्माइली जैसी स्ट्रक्चर है, वही रिपीट हुई है, वो स्ट्रक्चर कुछ एक बॉन्ड के साथ, एक देख रहे हो ना, ये बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ा हुआ है ना। यहां पर भी देखो एक हेक्सागन जैसी स्ट्रक्चर बॉन्ड के साथ ये आपस में जुड़ी हुई है, कुछ एक रिपीटेड यूनिट है, वही बार 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 रिपीट होती चली जाएगी एक बॉन्ड के साथ। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं दिख रही है कि कोई एक रिपीटेड यूनिट बॉन्ड के साथ आपस में बार बार जुड़ी है ना। हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज देखो प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन समझ लो एक बड़ा, एक सिंगल बच्चा है, बहुत सारे बच्चों ने, आपके क्लास के सारे बच्चों ने आपस में हाथ पकड़ लिए, तो पूरी लंबी सी जो आप चेन बनाओगे पूरे स्कूल को सराउंड करते हुए, बड़ी सी चेन बन जाएगी, वो चेन है प्रोटीन, वो चेन है प्रोटीन। एक बच्चा है अमाइनो एसिड, एक बच्चा है अमाइनो एसिड, जबकि कई अमीनो एसिड्स ने, एक ये है और इस एक अमीनो एसिड और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स ने आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन बना ली, वो है प्रोटीन। तो ये क्या है? प्रोटीन। जबकि एक स्माइली जैसा जो स्ट्रक्चर है वो है अमाइनो एसिड। फिर ठीक है, अब यहां पर देखो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं? यहां पर भी स्मॉल शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आपस में कई बार हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टाइम ये लगातार जुड़ते जाते हैं। मीन्स सभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज छोटा सा मॉलिक्यूल आएगा इसमें, ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, ये छोटे छोटे इसमें आएंगे। जबकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे कि क्या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूकोज को छोड़ के लॉन्ग चेन बना ली ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये यहाँ पर आएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ये जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी पॉलीसेक्राइड यहाँ पर आएंगे और मोनोसेक्राइड यहाँ पर आएंगे। ये बात आप जानते हो केमिस्ट्री में या नहीं कि जो स्मॉल एक यूनिट है वो मोनोमर है और ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ के लॉन्ग चेन जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पर इसकी मोनोमर यूनिट यानी कि सिंपल ये जो यूनिट्स हैं यानी मोनोसेक्राइड, और थोड़ी सी छोटी छोटी दो चार छः आठ दस जुड़ गई हैं डाइओलिगोसेक्राइड्स यहाँ पर आएंगी, जबकि पॉलीसेक्राइड्स यहाँ पर आएंगे। और क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड, स्पेस नहीं है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बना होता है। तो हमारे सेल में फ्रीली कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी तो पड़े होंगे। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी पड़े हुए हैं, वो आएंगे इस कंपोनेंट में, इधर आएंगे। इधर क्या आ गया? इधर आ गए अमीनो एसिड, इधर आ गए प्रोटीन, इधर आ गए पॉलीसेक्राइड, जबकि इधर आएंगे मोनोसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड। ये पूरे चैप्टर की समरी है, मैं शॉर्ट में आपको सारी बात बता रही हूँ ताकि दिमाग में विजन क्लियर रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड है, फिर लिपिड की बात है और न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन है, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड साथ में जुड़ते हैं, सारे हाथ में पकड़ लेते हैं और बनता है न्यूक्लिक एसिड। सिंगल यूनिट है इसकी न्यूक्लियोटाइड। फिल्ट्रेट पोर्शन में या एसिड सॉल्युबल पोर्शन में क्या आएगा? यहाँ पर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के साथ छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ जाएंगे, जैसे कि अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। लिपिड एक अलग केस है, अभी मैं बताती हूँ, लिपिड इधर ही आएगा।
तो ये समझ में आए, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा का साइज़ है इनका, इतने लंबे लंबे पॉलीमर्स बनाते हैं सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट के रिपीटेड जुड़ने से ये बनते हैं। ये सिंपल सिंपल छोटे छोटे यूनिट्स हैं, छोटा सा साइज़ है इनका, और ये आ जाएंगे यहाँ पर फिल्ट्रेट पोर्शन में, जबकि ये पोर्शन ये आएगा रिटेंटेट में, क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा है, ये फिल्टर होके नीचे नहीं जा पाएंगे। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी दो कैटेगरी में हैं। वो क्या दो कैटेगरीज हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या चार नाम लिए थे, क्या चार नाम है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। सबकी बात कर ली, समझ गए। लिपिड एक अलग ही केस है, ऑड मैन आउट, जिसको हमने कहा था अभी। क्या है लिपिड, लिपिड पॉलीमर नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोनोमर यूनिट जुड़कर बनी है, ये सिंपल एक कंपाउंड है, हाँ कई लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है ये लिपिड, पर पॉलीमर नहीं है। छोटा साइज है, 10,000 डाल्टन तो बहुत बड़ा हो गया, ये 1,000 डाल्टन के आसपास का ही है, ठीक, बहुत छोटा साइज है इसका। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि लिपिड का स्मॉल साइज है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, लिपिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, फिर भी क्यों ये ऊपर रिटेंटेट पोर्शन में आता है, क्यों ये नीचे नहीं जाता है फिल्ट्रेट में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों नहीं जाता है। हमारी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई है। तो लिपिड है तो स्मॉल कंपाउंड, पर ये क्या है, हमारी सेल की स्ट्रक्चर का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन या दूसरी मेम्ब्रेन्स का पार्ट है। तो जब हम क्रश कर रहे हैं ना, हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको क्रश करा है, ग्राइंड किया है, जब सेल को ब्रेक कर रहे हैं तो सेल हमारी डिसरप्ट हो जाती है, सेल की स्ट्रक्चर, और क्या होता है, ये पीसेस में टूट जाते हैं, और ये जो स्मॉल पीसेस है ना वो वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं, ये जो स्मॉल पीसेस हैं ये वेसिकल्स फॉर्म, लिपिड के स्मॉल फ्रेगमेंट्स टूट गए हैं, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स फॉर्म वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स एसिड इनसॉल्युबल हैं, इसलिए ये नीचे नहीं जाती हैं, ऊपर रिटेंटेट पोर्शन में ही रह जाती हैं, जबकि इनका साइज छोटा है। ये वैसे तो जानी चाहिए थी, इस तरह से होती तब तो ये ऐसे करके चली जाती, पर इसने फॉर्म कर लिया है वेसिकल, इस वजह से ये एसिड इनसॉल्युबल और ऊपर ही रिटेंटेट पोर्शन में रह जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात एक रफ स्केच दिमाग में क्लियर हुआ है कि चार बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। इन चारों को हम पढ़ेंगे, इनकी बेसिक मोनोमर यूनिट को पढ़ेंगे, फिर कैसे बॉन्ड फॉर्म करके लॉन्ग चेन बनाते हैं वो देखेंगे। तो साइज कितना है प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स और न्यूक्लिक एसिड का, साइज 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है, जबकि लिपिड का साइज 1,000 डाल्टन से भी कम है, और ये फिर भी हमको एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन में यानी ऊपर रिटेंटेड पोर्शन में मिलती है, क्योंकि ये वेसिकल्स फॉर्म कर लेती है। इसके अलावा हमने क्या किया, हमने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को जानने के लिए क्या किया, अलग अलग तरीके से वेट या मास लिया। सबसे पहले हम वेट वेट लेंगे, क्या किया हमने, कोई लिविंग टिश्यू ले लिया, सपोज सबसे ईजी आप एक लीफ उठा लो, आपने प्लांट से तोड़ के नई ताजी फ्रेश लीफ ली, उसको वे कर लिया, उसका वेट देख लिया, वो है वेट वेट, क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक, वो उसका वेट वेट हो गया। उस लीफ को सन में ड्राई कर लिया, उसको आराम से सुखा लिया, उसका सारा पानी इवेपरेट हो गया, जब उसका वाटर इवेपरेट हो गया, वो ड्राई हो गई, तब उसका वेट दोबारा से ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ड्राई वेट। मींस ड्राई वेट क्या है, उसका टोटल वेट जो पहले आया था वेट वेट माइनस वाटर का वेट, हमें पता चलेगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर कितना कंटेंट वाटर का है, काफ़ी वेट में फ़र्क आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ड्राई वेट के बाद वो जो सूखी हुई लीफ थी, सूखा हुआ लिविंग टिश्यू था, उसको क्या किया हमने, बर्न कर दिया, उसको आग लगा दी, जला दिया। बर्न करेंगे तो क्या होगा, उसमें जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक, वाटर पहले निकल चुका, अब क्या होगा, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कंबशन होगा, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 बना देगा, कार्बन और हाइड्रोजन जो भी है वो CO2 और वाटर बना के रिलीज हो जाएगा, तो सारा ऑर्गेनिक कंटेंट वहाँ से उड़ गया, क्या बचा, इनऑर्गेनिक।
अब जो बचा जलने के बाद, कंबशन के बाद, वो राख है, वो ऐश है, एशेज, वो ऐश या जो राख बची है उसमें देखेंगे हमको क्या मिलेगा। हमको मिलेगा उसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट, उसमें हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं उनकी स्टडी, उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। ये हैं कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको देख के घबराना नहीं है, ये ऐसे ज़्यादा याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ आप देख लो कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं।